साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, कलेक्टेड ऑफिस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, और ये राजपूत समाज के लोग हैं। राजपूत समाज के लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इनकी मांग है, कल महाबार सर्किल पर एक नरपत सिंह करके युवक था जिसका अपहरण किया था, अपहरण करके उसके साथ मारपीट की, उसका दोनों हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए। उसको लेकर कैप्टन हीर सिंह के नेतृत्व में आज राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। और कैप्टन हीर सिंह और सरपंच प्रतिनिधि, उनसे बात हुई है तो उन्होंने भी क्या कहा है वो भी सुन लीजिए आप, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। तो एक बार शेयर कर दो साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। क्या कहते हैं कैप्टन हीर सिंह, सुनो। सर आज किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज जो एक कल बोनरा गांव में जो घटना हुई है, शैतान सिंह का लड़का जो नरपत सिंह नाम के हैं, और उनको जो है अपराधियों ने सिर फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, जगह जगह जो पेट में भी फ्रैक्चर है, और उस घटना को लेकर के हम एसपी साहब से मिले हैं और डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, और इनसे हमने निवेदन किया है कि जो जितने भी दोषी है अगर उनको जो है आप गिरफ्तार कर दोगे तो हम जो है शांति बना के रखेंगे, और उन्होंने जो है एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार नहीं किया तो जो है आंदोलन। तो सर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने बता दें कि तीन आदमी जो है गिरफ्तार, लेकिन मेन जो मेन है वो उनको गिरफ्तार नहीं होता है, पूछताछ के लिए लाए हैं दो तीन आदमी, लेकिन तीन तो नामजद है वो एक भी नहीं हुआ, जो दोषी है वो नहीं हुआ है, और दो गाड़ियों में ये थे, तकरीबन जो है 8-10 आदमी थे। तो सर एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने ये कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द जल्द जो है गिरफ्तार करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, और हम लोग हमारा जो ये शॉर्ट नोटिस में जो है डेलीगेट जो मिला है, और प्रशासन को हमने ये कहा है कि इनको गिरफ्तार जल्दी से जल्दी किया जाए, और हम शांति बना के रखेंगे, अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया। सर इनका विवाद क्या था? सर विवाद तो अभी जो है कोई थोड़ा बहुत कोई लेन देन का हो सकता है, अभी वो कोई नहीं है, ये तो गरीब आदमी है, उसका माँ है, बाप तो बचपन में छोटा सा था, 18 साल की इसकी उम्र है, तो इसका विवाद क्या होगा, और ये तो कोई ऐसे ही है लोग जो शरारती है जो ये कर रहे हैं, ये अब जिम्मेदारी है प्रशासन की, हमने कह दिया कि अब जिम्मेदारी आपकी है और अब उनको गिरफ्तार करें, दूसरी है उनको करो पूछताछ के लिए, अभी मैन कोई नहीं हुआ, तीन तो उसने पहचाने हैं, उनका नाम दिया है मुकेश पर, लेकिन बाकियों को जो है वो पहचान नहीं पाया, दो गाड़ियाँ थी, एक ब्लैक रंग की थी, एक जो है वाइट स्कॉर्पियो, अपहरण कर देंगे और अपहरण करके ले गए, करके उसको ले गए बैतू के डिब्बों में, वहाँ ले जा करके वापस जो है उसको पीट तोड़ टांगे वगैरह और हॉस्पिटल के पीछे गली में घेर लिया, एक बड़ा अपराध ही है सर। ठीक है जी, किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? आज तो इस मामले में आए थे कल नरपत सिंह के साथ में जो घटना हुई ना, वो अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करके और फिर इसकी साथ में मारपीट करके अधमरा करके यहाँ हॉस्पिटल के पीछे पटक के गए, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसकी इलाज चल रहा है, पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, फिर उन्होंने जो नामजद आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया, इसके लिए अभी एसपी साहब और एडीएम साहब को हमने कलेक्टर ज्ञापन दिया है, इसके लिए टाइम समय मांगा है एक दो दिन के लिए, अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे नामजद आरोपियों को तो इसके लिए पूरा आंदोलन भी कराना पड़े, तो हम आंदोलन करेंगे, और फिर हमारे प्रशासन में विश्वास है कि नामजद आरोपियों को बख्शा ना जाए, बाकी निर्दोष आदमियों को नहीं।